हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता शर्मा। आज हम बनाएंगे सूजी और आटे का चीला भी बोल सकते हैं, आप डोसा भी बोल सकते हैं। आप इसे सांभर के साथ, आलू की सब्जी के साथ इसे खा सकते हैं। अगर सांभर ना बनाए तो आप आलू की सब्जी से भी इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आएगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने 2 कप सूजी लिया है। सूजी को आपने बारीक पीस लेना है। पीस कर आप इसे छान कर रेडी करेंगे। आप कप से नापें या कटोरी से नापें, जो भी नापें, तो आपने 2 कप यहाँ पर इसे लेकर रेडी कर लेना है। ये देखिए, इसे हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे 1 कप फ्रेश दही लेना है आपने, और इसे मिक्स कर देना है। 2 कप हमने सूजी ली थी, तो यहाँ पर हमने 1 कप दही लिया है। अब यहाँ पर लिया है हमने गेहूँ का आटा 2 चम्मच। यहाँ पर बड़े चम्मच हमने गेहूँ का आटा लिया है, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ऊपर नीचे करते हुए दही में अच्छी तरीके से आपने इसमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा पानी कर कर आप इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, सूजी में पानी ज़्यादा लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी कर कर आप इसमें डालेंगे। इसका बैटर, फ्लोइंग बैटर होना चाहिए। ये देखिए, जैसे हम चीला बनाते हैं या हम डोसा बनाते हैं उसका बैटर होता है, सेम ऐसा ही बैटर आपने इसका रेडी करना है। पानी आप अपने हिसाब से इसमें डालेंगे, क्योंकि फ्लोइंग बैटर होना चाहिए, ये आपने ध्यान देना है। ये देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया ये हमारा। ये देखिए, अब यहाँ पर हम लेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर लेंगे ऑयल, कोई भी ऑयल आप इसमें ले सकते हैं। इसे अभी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जितना आप इसे मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। ये देखिए, यहाँ पर ये रेडी हो गया है। अब इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गर्म करेंगे। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर हम ऑयल ले लेंगे, इसे गर्म होने देंगे। अब डालेंगे हम इसमें हींग, थोड़ा सा यहाँ हींग डाला। अब डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पर हम जीरा। ये देखिए, जीरा हमारा यहाँ पर भुनकर रेडी हो गया। अब डालेंगे प्याज। प्याज को हमने बारीक काटा है, 1 बड़ा प्याज मैंने यहाँ पर लिया है। इसे भी अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने धनिया लिया है। धनिया को मैंने मोटा मोटा पीस कर इसे रेडी किया है। आप धनिया पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च ली है मैंने यहाँ पर, 2 हरी मिर्च ली है, उसे भी बारीक कट करा है। ये देखिए, यहाँ पर प्याज हमारे रेडी हो गए हैं। इस तरीके से आपने इसको भून लेना है। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं हल्दी। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे आप। लाल मिर्च पाउडर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। गरम मसाला, अमचूर पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये देखिए, आलू को हमने बॉईल कर लिया था, और इसे हमने क्रश कर इसे हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। गैस को मीडियम रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू की सब्ज़ी हमारी बनकर यहाँ पर रेडी हो गई है। इसे हम धनिया से गार्निश कर देंगे। सब्ज़ी बनकर हमारी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। देखने में देखिए कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है। अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये गाढ़ा बैटर हमारा हो चुका है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी यहाँ पर हम और ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके का बैटर होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तवे को हम यहाँ पर गरम कर लेंगे। तवा हमारा यहाँ पर गरम हो चुका है। थोड़े से पानी के छींटे डालेंगे। 1 कपड़े से इसे हम पोंछ लेंगे।
ये देखिए। अब यहाँ पर लेंगे हम ऑयल, ऑयल से तवे को इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इस पर डालेंगे बैटर, ये देखिए इस तरीके का बैटर होना चाहिए आपका। गैस को आपने सिम रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं रखना। ये देखिए इसे आपने इस तरीके से फैला लेना है, ये देखिए धीरे धीरे आप इसे फैलाते जाइए, जितना बैटर डालें उसके अकॉर्डिंग आप इसे फैला लें। एक साइड से पक जाएगा नीचे से, फिर इसे हम पलट देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम ऑयल डालेंगे इसके ऊपर। इसे पलटने से पहले आपने एक बार चाकू से इस तरीके से इसके एजेस, ये देखिए इसे आपने कर लेना। उसके बाद अब इसे हम पलट देंगे, ये देखिए यहाँ से ये पक चुका है, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अब इसे दबाते हुए थोड़ा थोड़ा इसे हम सेक लेंगे। ये देखिए दूसरी साइड से भी ये हमारा अच्छी तरीके से सिक चुका है, ये देखिए हल्का हल्का यहाँ पर भी ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब ले लेंगे हम आलू की सब्ज़ी इसमें, ये देखिए आलू की सब्ज़ी से इसको हम रेडी करेंगे भरकर। इसे अब हम फोल्ड करेंगे और ये बनकर फ्रेंड्स रेडी हो गया। सभी को इसी तरीके से बनाकर हम रेडी कर लेंगे। अब आप इसे आलू की सब्ज़ी से खा सकते हैं, सांभर से खा सकते हैं, ऐसे भी इसे खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।